आप प्लीज आरती को परेशान करना बंद कर दीजिए। नहीं, रिक्वेस्ट मत कर। हमारे साथ कहीं पर भी जब गलत होता है तब कोई सामने नहीं आता, पर गलत हो जाने के बाद सब मिलके हमें देश की बेटी बना देते हैं। अब घर चलो, मोटा बहन को भी तो मनाना पड़ेगा। माँ, मोटा बहन, मैं क्या बोलती हूँ, आप ना गुस्सा थूकी दो। नहीं नहीं, आप सही हो। अरे ऐसे थूकना अच्छी बात थोड़ी है, आप करो। वाच कर रही हो? माँ 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 प्लीज मेरी बात तो सुन लो। माँ प्लीज, माँ मेरी बात तो सुनो। मेरे रास्ते से हट, मुझे और भी काम करना है। प्लीज बात सुन लो माँ। खाना तैयार है, तुम लोग खाना खा लेना। और आप? मेरा पेट तो तेरी समाज सेवा देखकर ही भर गया। पर मोटा बहन, तेजस्विनी की बात तो सुन लो। माँ, जो आज आरती के साथ हुआ वही हमारी प्रीति पिंकी या मेरे साथ होता तो भी आप यही करती? आप चुप रहती या जवाब देती? माँ, आपने जवाब नहीं दिया। तेरे पापा के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाती थी, चुप हो जाती थी। लेकिन अगर जवाब दे देती ना तो आज उन्हें नहीं खोती। पर अब तुझे नहीं खोना चाहते बेटा। माँ, हाँ मुझे कुछ नहीं होगा। वो भी ऐसे कहते थे, लेकिन एक दिन मुजरिमों के हाथों लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपने पुलिस होने का फर्ज खूबी निभाया उन्होंने, लेकिन आज उनके नहीं होने का दर्द सिर्फ तेरा और मेरा है। माँ, बचपन से पापा ने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसी को अपनी जिंदगी का सच मानकर आज तक जीती आई हूँ। कुछ गलत होता है तो अपनी आंखें नहीं चुरा पाती। मैं जब आपके बारे में सोच के अपने कदम पीछे हटाती हूँ तो पापा की दी हुई हर सीख मुझे याद आ जाती है। सही कहते हो। जब बच्चे बड़े हो जाते ना तो उनके लिए सही गलत की पहचान माँ बाप से बढ़कर हो जाती है। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तेजस्वी, एक बात मेरी अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। तुझे अभी आगे पढ़ना है ना, करियर बनाना है ना, तो ये सब समाज सेवा करना बिल्कुल छोड़ दे। इसका सीधा असर तेरी पढ़ाई पर हो रहा है। घुटानो घर बाड़ी ने तीरथ ना कराए बेटा। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होगा। हाँ मोटा बहन, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ नहीं होगा उसकी पढ़ाई को। और नहीं तो क्या। मोटा बहन, आप चिंता मत करो, अपनी तेजस्विनी बहुत समझदार है। हाँ चलो चलो अंदर चलो। आज तेरी स्कॉलरशिप और एडमिशन का नतीजा आने वाला है, जिसके लिए मेरी माँ ने मुझसे ज्यादा मेहनत और सैक्रिफाइस किए हैं। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो इसकी सजा मैं तुझे नहीं, खुद को दूंगी। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? इधर देखिए माँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। और देखिएगा, सबसे अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा। तेजस्विनी मेहता कोरियर छे। रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। जी थैंक यू। थैंक यू। अरे एडमिशन वालों का लेटर आया है क्या? हाँ सर जी। जी मामा जी। अरे माँ मेरा एडमिशन हो गया। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। अरे मोटा बहन बहुत बहुत बधाई हो, वो भी सबसे बड़े कॉलेज में, और पता है 100% स्कॉलरशिप के साथ। वो मिठाई करातना, मिठाई लेके आते हो, जल्दी लेके आना मिठाई। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कौन सी कॉलेज में एडमिशन हुआ है तुम्हारा? राजपीपला के सबसे बड़े कॉलेज में मामा जी। अरे ज्वाइनिंग कब से है? इसी मंडे से। हम भी आएंगे छोटे। बिल्कुल, लेकिन अगर मामी को परेशान करा तो देख लेना। तू राजपीपला नहीं जाएगी। मोटा बहन नहीं, मेरी बेटी राजपीपला नहीं जाएगी। मोटा बहन मैं जानता हूँ कि आपके मन में घबराहट है, लेकिन मोटी बहन एक बार तेजस्विनी की आंखों में झांक कर तो देखो। मोटा बहन उसके सपनों को देखने की कोशिश तो करो। तुझे उसकी आंखों में सपने दिखाई दे रहे ना, लेकिन मेरी आंखों में डर नहीं दिख रहा है। तू अच्छी तरह से जानता है कहाँ जाने की बात कर रही है। वो राजपीपला जानता है ना क्या हुआ था वहाँ? सब कुछ खो दिया था मैंने वहाँ। वो इंसान जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया आज भी वही रहता है। जानता है ना किसकी बात कर रही हूँ मैं? धर्म सिंह राठौर। वो लाल रंग का दिखाना साइज बराबर है। यहाँ से 3 गली दूर पुलिस स्टेशन है। इसकी लाश उधर जाके डाल कर आओ। कोई पूछे तो कहना मैंने इसकी छाती में गोली डाली है। मैंने धर्म सिंह राठौड़ ने। मैं जानता हूं मोटी बहन, और यह भी जानता हूं कि वो इलाका धर्म सिंह राठौड़ का है। पर मैं क्या बोलता हूं, ना तेजस्विनी धर्म सिंह राठौड़ को जानती है, ना धर्म सिंह राठौड़ तेजस्विनी को। फिर उन दोनों का आमना सामना होगा क्यों? नहीं हो, इसीलिए तो नहीं भेज रही मैं उसे राजपीपला। देखो मोटी बहन, मारी अतीत का काला साया मेरे बेटे की जिंदगी पर नहीं पड़ सकता। अरे नहीं पड़ेगा मोटी बहन, तेजस्विनी वहाँ पढ़ाई करने जा रही है, धर्म सिंह राठौड़ के आसपास रहेगी भी नहीं। ए, मैं क्या बोलता हूँ मोटी बहन, मानी जाओ ने, कुछ नहीं होगा। और अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात याद रख, तेजस्विनी को जितना मना करोगे उसके सवाल उतने ही बढ़ेंगे। और सोचो कि अगर गलती से उसे सच का पता चल गया तो जो राज आपने अब तक छुपा के रखा है वो खुद ब खुद उसके सामने आ जाए। ऐसा होगा नहीं, ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगी। तो फिर उसका एक ही तरीका है मोटा बहन, जाने तो तेजस्विनी को राजपीपला। ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब, अपने अतीत पर ऐसे ही पर्दा रहेगा जैसा आप भी। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। तेजस्विनी, तू राजपीपला नहीं जाएगी। राजपीपला नहीं जाएगी। पर क्यों माँ? कह दिया ना, तू राजपीपला नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई मेरी बेटी? बेटा, इन अकेले रास्तों पर दौड़ने में अगर इतना थक जाओगी तो जिंदगी के रास्तों पर कैसे दौड़ोगी? मुझे दौड़ना आपने सिखाया, पर जब मैं जिंदगी की सबसे बड़ी रेस दौड़ना चाहती हूँ तो समझ में नहीं आ रहा माँ मुझे क्यों रोक रही है, मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, बताइए मैं क्या करूँ। पापा, आप मेरे साथ हो। अभी रोदू चेहरा हटा के ना स्माइली फेस रखूंगी और खुशी खुशी माँ की हर बात मानूंगी। मुझे अच्छे से पता है आप दोनों हर चीज मेरे भले के लिए तो करते हो, है ना? ठीक है पापा, अब लेट हो रही हूँ घर के लिए, तो आपसे कल मिलती हूँ। ठीक है, हितेश। अरे मोटा बे, मैं अंदर आ जाऊं? ए, ऐसा करने का? अरे आओ ने, आओ ने, आओ। एक मिनट बैठे यहाँ। जी जी मैडम। देख, मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया है। मेरी सारी बचत वगैरह मिलाकर बनते हैं करीब करीब 1 लाख रुपए, जो कि मैंने तेजस्विनी की शादी के लिए जमा किए थे। अब बाकी बचे 4 लाख। ए मोटा बहन, 50,000 मेरे पास भी है, पर ये तो 1.5 लाख ही हुए ना। बाकी के 3.5 लाख रुपया कहाँ से आएंगे? तो एक काम कर सकता है जी। वो जो तेरे प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं, अगर तू उसे उठा ले तो। तुझे मुझ पर भरोसा है ना कि मैं तेरे पैसे लौटा दूंगी? अरे मोटा बहन, आपके और मेरे बीच में तेरा मेरा क्या है? अरे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। पैसे निवाज छे ना तो सोचना तो पड़ता है। ए मोटा बहन, पैसा छे ने ये दुनिया में फूट डाल सकता है, आपके और मेरे बीच में नहीं। हो अरे अगर जरूरत पड़ी ना तो अपनी सारी जायदाद में तेजस्विनी के नाम पर कर दूं। बात एम से मोटा बहन की, जायदाद के नाम पर अब से प्रोविडेंट फंड है और उसमें भी पैसे नहीं है। और प्रीति पिंकी की पढ़ाई के लिए, ये घर की मरम्मत के लिए, हर चीज के लिए पैसे वहीं से तो उठाए नहीं। बचे होंगे कुछ 50-55 हजार, उससे ज्यादा नहीं। प्रीति पिंकी की शादी के लिए गहने बनाए थे, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके करीब 1.25 लाख के होंगे मोटा बहन। पर कुसुम ये गहने पर कुछ नहीं मोटा बहन, माँ तो मैं भी हूं ना, और तेजस्विनी मेरी बेटी नहीं है क्या? पर ये गहने तुमने प्रीति और पिंकी की शादी के लिए बनाए, एक बार टूट गए तो। अरे तो तेजस्विनी बना के देगी ना मोटा बहन। हाँ। एक बार अच्छा पढ़ ले, अच्छी नौकरी लग जाए तो अपनी बहनों के लिए खुद गहने बना के देगी मेरी तेजस्विनी। इतना प्यार तो है तीनों बहनों में, है ना मोटा बहन? एक बात बोलू मोटा बहन, यार के आगे ये पैसा, ये गहना, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। पर बात एम से मोटा बहन की, ये सब जोड़ के अब भी 1,75,000 कम। अरे बाप रे बाप, ए मोटा बहन, एक आदमी है हुंडी का काम करता है, इमरजेंसी में लोगों को है ना पैसे देता है, 4-5 टका लेता है। पर आप बोलो तो मैं उससे बात करूं? ठीक है, उससे बात कर। नहीं, एक काम करते हैं, अभी चलते हैं उसके पास। मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ चलो चलो। अरे तू आ गई? अच्छा हो तू आ गई। किसी अच्छे कॉलेज का पता चला? हाँ माँ, पता चल गया। तो नहीं भी पता चलना चाहिए था ना, वो भी पता चल गया। ये आंख ना झपकने का नाटक ना मेरे साथ मत करना। चलो हितेश, चलना है। माँ आपको अच्छे से पता है, जब भी मेरे आसपास कुछ गलत होता है तो मेरी पलकें झपकना बंद हो जाती है। तो कहना क्या चाहती है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है? गलत चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, गलत हमेशा गलत होता है माँ। और हाँ, यहाँ गलत हो रहा है। मेरे रास्ते से मुझे और भी काम करना है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? आज तक कभी आपने मामा जी से मदद नहीं ली, मेरे लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मामा जी ने रक्षाबंधन में अगर ज्यादा पैसे देने की कोशिश की तो आपने बहाने से प्रीति पिंकी पे खर्च कर दिए। तो आज ऐसा क्या हुआ माँ कि मामा जी को अपना पीएफ और मामी को अपने गहने देने पड़े? आपको तुझे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर इन सब तकलीफों का नाम जिम्मेदारी है माँ, तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। माँ, ग्रेजुएशन तो पूरी कर चुकी हूँ ना मैं। बात रही एमबीए के कोर्स की, तो वो नहीं करूंगी। पर आप लोग को ये तकलीफ देके मैं आगे नहीं पढ़ सकती माँ। तेजस्विनी माँ, राजपीपला भेजने का आपका मन नहीं है और आप लोग को ऐसी तकलीफ देके मेरा आगे पढ़ने का मन नहीं है। तो तय हो गया, मैं नौकरी ढूंढूंगी। बहुत मेहनत कर ली मेरी माँ ने, अब मेरी बारी।